बात अगर सांप की आती है तो फिर चाहे महिला हो या पुरुष, सभी की डर से हालत खराब हो जाती है। और वहीं अगर गलती से सांप किसी के घर या दफ्तर में आ जाए तो उसके विष के प्रति डर अच्छे अच्छे का गला सुखा देता है। अभी तक सभी ने पुरुषों को सांप को पकड़ते हुए या डर के कारण उसे मारते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन अगर यही काम एक महिला करे तो वह अपने आप में ही निडरता का प्रतीक बन जाती है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको झारखंड के जमशेदपुर की एक ऐसी महिला का परिचय देंगे जो कि तारीफ के काबिल है। पूर्वी सिंहभूम जिला की रजनी लहा ने अपने परिवार का ध्यान रखते हुए बुटीक की दुकान चलाने के बाद भी इंसान को सांप से और सांप को इंसान से बचाने की मुहिम में जुटी हैं। जमशेदपुर शहर के चारों तरफ घने जंगल होने के कारण भूले भटके सांप अक्सर शहर में आ ही जाते हैं, जिसे देखने के बाद इंसान काफ़ी घबरा जाते हैं और बैठे सांप को मारकर उसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन जमशेदपुर का मानगो, जो कि फॉरेस्ट इलाके का एक छोर है, वहां के लोग सांप देखने के बाद रजनी लहा को सूचित करते हैं, जिसके बाद रजनी वहां पहुंचकर सांप को पकड़कर बहुत ही प्यार से उसे जंगल में छोड़ आती हैं। सबसे पहले तो महिला दिवस पर भारत की सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी डेयरिंग महिलाएं हैं उनको तो खासकर मेरा प्रणाम। तो ऐसा है कि आज मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि ये जो सांप होते हैं ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं काटते, तो एक्चुअली इसके नाम से ही सब डरते हैं, तो इसके जहर से कम और भारत में इसके डर से ज़्यादा लोग मर जाते हैं घबरा कर। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डर वाली चीज़ है, ये एक जंगली रेप्टाइल है, लेकिन ये गर्मियों के दिनों में अपना घर छोड़ के दूसरों के घर इसलिए आते हैं कि यहाँ पर सारे घर बन गए, पहले जंगल हुआ करते थे, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई खतरों के खिलाड़ी रजनी लहा के साहस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। घर, परिवार, दुकान देखने के बाद घबराए लोग और घबराए सांप की मदद करना एक सराहनीय कार्य है।